उनका सफल इलाज किया जाएगा। जी जी धन्यवाद चेतन तमाम जानकारियों के लिए। राज्य मंत्री ने निजी अस्पताल का शुभारंभ किया, बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए राज्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। बाढ़ क्षेत्रों के किसानों को दिया जाएगा नई तकनीक का बीज। संजय सिंह ने कहा गन्ना किसान हमारी सरकार में प्राथमिकता। बंद पड़ी चीनी मिलों को हम चालू करा रहे हैं, संजय सिंह ने कहा। जल्द चालू हो जाएगी बुडवल चीनी मिल, संजय सिंह ने कहा। राज्य मंत्री ने निजी अस्पताल का शुभारंभ किया है, बाराबंकी से आपको खबर बता रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए राज्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा बाढ़ क्षेत्रों के किसानों को नई तकनीक का बीज दिया जाएगा। संजय सिंह ने कहा कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां करीब 1780 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बता दें कि मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीवी समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा हमने टीवी से लड़ने के लिए लोगों से निश्चय मंत्र बनने को कहा है। साथ उन्होंने कहा कि हमें चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रयास से नया रास्ता निकलता है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जनभागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति। तब से अब तक टीबी पेशेंट्स के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। करीब 75 लाख मरीजों को इसका लाभ हुआ है। अब निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। साथियों, पुरानी अप्रोच के साथ चलते हुए नए नतीजे पाना मुश्किल होता है। कोई मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में अपना संबोधन देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2025 तक टीवी हारेगा और भारत जीतेगा। बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि 2025 तक टीबी हारेगा और भारत जीतेगा। बता दें सीएम ने वन वर्ल्ड टीबी का सम्मेलन में अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2025 तक टीबी हारेगा और भारत जीतेगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। इस बीच राहुल गांधी अपनी नई प्रोफाइल फोटो को लेकर चर्चा में हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर नई प्रोफाइल फोटो लगाई है। वहीं फोटो के नीचे उन्होंने लिखा, डरो मत। विवादों के बीच राहुल गांधी का अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज करना एक ट्रेंड सा बन गया है। इससे पहले राहुल गांधी अपने विदेश में दिए बयान को लेकर विवाद में घिरे हुए थे, जिसके चलते अब कई पुराने मुद्दे फिर से चर्चा में आ गए हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने 10 साल पहले केंद्र सरकार के एक अध्यादेश को फाड़ दिया था, जिसको लेकर अब उनकी संसद की सदस्यता पर बात आ गई है। इसके अलावा राहुल ने 2019 में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है, जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार कर 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उन्हें तत्काल जमानत भी मिल गई है। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन निकाय चुनाव की सुनवाई टल गई है। वहीं अब अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। ओबीसी आयोग सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है। बता दें कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद से नोटिफिकेशन जारी होगा। आप सांसद राघव चड्ढा अपने राजनीतिक जीवन को लेकर अक्सर ही चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इस बार वे अपने निजी जीवन को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को डेट कर रहे हैं और ये कयास इन दिनों काफी चर्चा में है। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आप नेता और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को डिनर और फिर लंच पर एक साथ देखा गया। हालांकि आप नेता ने इन सभी खबरों का खंडन कर दिया। उनका कहना है कि वह दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि देश में 140 दिन बाद कोरोना मामले के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें 1300 नए मरीज मिले हैं। वहीं बढ़ते मरीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि संक्रमण रोकने के लिए बेहतर काम करना होगा। 24 घंटे के अंदर 24 नए कोविड मरीज मिले। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में भी कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं इसको देखते हुए कई जिलों में जांच का दायरा बढ़ाया गया है और रोज 50,000 सैंपल जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अमरोहा पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड की सलामी लेने के लिए एसपी आदित्य लांगे पहुंचे, जहां उन्होंने सलामी के बाद पुलिस लाइन में परिवहन शाखा, स्टोर शाखा, गार, पीवीआर वाहन, बंदी वाहन, डॉग स्क्वाड, भोजनालय आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वच्छता से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक आदित्य द्वारा परेड में एक रूपता और अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल कार्रवाई की गई और अन्य दिशा निर्देश भी दिए गए। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते जा रहे भूकंप के मामले को लेकर अब जिला प्रशासन सतर्क है। इसी को लेकर कई जगह पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से देखा गया कि अगर भूकंप आ जाए तो जिला प्रशासन के तमाम विंग कितने तैयार हैं। इसी क्रम में सबसे बड़े अस्पताल बादशाह खान अस्पताल में भी मॉक ड्रिल की गई। अभी पीछे आपने भी नोटिस किया है कि NCR में अर्थक्वेक के जो झटके आपने कहे वो महसूस किए गए, तो ये मॉक ड्रिल तैयारी है, क्योंकि हम थोड़ा एक सेंसिटिव जोन में आते हैं। इस प्रकार की घटना कभी अगर होती है तो किस प्रकार से डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को अंजाम देंगी। SDRF, पुलिस अथॉरिटीज़, हमारी मेडिकल एजेंसीज़, फायर सर्विसेज, MCF, जिसका भी जो कार्यभार है उसको हम उस चीज़ में दुरुस्त हो पाएँ। कभी ऐसा अगर होता है अनफॉर्चुनेटली, इसको हम संभाल पाएँ। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर सभी स्टाफ को ट्रेंड किया जा रहा है कि यदि ऐसी कोई आपदा हो जाए तो कैसे डील करना है। जैसे पेशेंट्स आते हैं तो उनको अंदर कैसे उनका ट्रियाज यानी छटाई करनी है, एक्चुअल में सब सामान और सारी तैयारी किस तरह से डील करना है। तो अलग अलग जोन्स होती हैं, अलग अलग कमरे, रेड, येलो, ग्रीन,
ब्लैक अलग अलग उनमें एरियाज तुरंत बना दिए जाते हैं जी, और उस पेशेंट को फटाफट जल्दी से देखकर कि उसको किस प्रकार का इलाज चाहिए, जैसा इलाज उसका बनता है, जो भी जोन में आता है वो उसके रिबन बैंड बांध दिया जाता है और उसी के अनुसार उसको पहले और अधिक अटेंड किया जाता है। जैसे ही ये पेशेंट्स स्टेबल होते हैं, थोड़ा बेटर होते हैं, तो इनको एक अलग से हम कैंप साइट बनाया हमने, रिलीफ कैंप साइट, वहाँ पर हम शिफ्ट कर देते हैं ताकि आने वाले नए मरीजों के लिए जगह बन सके। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में ऑपरेशन इस्माइल के तहत पुलिस ने एक परिवार की खोई हुई खुशियां लौटाने का सराहनीय काम किया है। बता दें कि नगर के मोहल्ला काजीवाड़ा में 3 वर्षीय मासूम बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। घटना की सूचना के बाद पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई। पुलिस ने बाजार में स्थित दुकानों में लगे सीसीटीवी खंगाले। कड़ी मशक्कत के बाद कुछ ही घंटों में पुलिस ने खोई हुई बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। कोतवाली प्रभारी राजपाल सिंह तोमर ने बताया कि एसएसपी के सख्त निर्देश पर सक्रियता से ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। उसी का नतीजा है जो कुछ ही घंटे के अंदर एक परिवार की खोई खुशियां फिर से वापस लौटी है। हरदोई में एक महिला पति के बीमार हो जाने के बाद से ही अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रही है। बता दें कि दुर्गा नाम की महिला अपने पति के बीमार हो जाने के कारण विकास भवन के पास टी स्टॉल लगाकर पति की देखभाल के अलावा बच्चों की पढ़ाई लिखाई तथा पालन पोषण कर रही है। बता दें कि ये टी स्टॉल लोगों की पहली पसंद बन चुका है। दुर्गा का कहना है कि ईमानदारी और सच्ची लगन हो तो मुश्किल से भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तथा अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि अन्य लोगों को भी दुर्गा बहन से प्रेरणा लेनी चाहिए। दुर्गा नाम है इसका बहन का और ये मेहनत भी करती है, आत्मनिर्भर है, अपने बच्चों को सबका परिवार का भी मेहनत करके आदि शक्ति की भांति पूरे परिवार को पालना खर्चा और ये सब उठाती हैं। नंगे पैर रहती है, इसका संकल्प रहता है हर नवरात्र में, मैं देखता हूँ इतने सालों से कि हर नवरात्र में नंगे पैर ही संकल्प है इसका कि कोई भी काम होगा चाय और जो भी है नंगे पैर ही करना, सबको सम्मान देना, आदर देना। क्लाइंटेज इसका बहुत अच्छा है, इसके स्वभाव से बर्ताव से सारे लोग हम लोग तो बहुत स्नेहिल रहते हैं। और मैं चाय की दुकान चलाती हूँ, मेरे पति की तबीयत नहीं ठीक रहती है इसलिए मैं अपने बच्चों का जीवन यापन करने के लिए यहाँ बैठती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, यहीं पढ़ते हैं और मैं यहीं सप्लाई करती हूँ चाय की। दिन भर नंगे पैरों नवरात्रि से रहती हूँ, 9 दिन का व्रत भी रहता है। बुलंदशहर के थाना आहार क्षेत्र के औरंगाबाद तहारपुर में जंगली तेंदुओं के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें कि तेंदुओं ने एक बकरा और बकरी के बच्चे को शिकार बनाया है, जिसके बाद गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां टीम ने जंगली तेंदुओं को पकड़ने के लिए लोहे का पिंजरा लगाया है। बुलंदशहर थाना आहार क्षेत्र के औरंगाबाद तहारपुर का मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्टाम्प वेंडर ने एसडीएम न्यायालय के अंदर खाया जहर। जहर खाने से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसडीएम लवगीत कौर और उनके पेशकर पर लगाए गंभीर आरोप, स्टाम्प वेंडर को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विधुना एसडीएम न्यायालय का पूरा मामला बताया जा रहा है। और अय्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्टाम्प वेंडर ने एसडीएम न्यायालय के अंदर जहर खाया, जहर खाने से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। एसडीएम लवगीत कौर और उनके पेशकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, स्टाम्प वेंडर को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ। कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 मजदूरों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको कानपुर देहात से बता रही है। फैक्ट्री प्रशासन की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फैक्ट्री में धमाके का मामला सामने आया है। मजदूरों की जान से खिलवाड़ हुआ है। रनिया थाना क्षेत्र के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में बनी वैभव एडविल फैक्ट्री की पूरी घटना बताई जा रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ है, कैसे ये धमाका हुआ, क्या कुछ पूरा मामला? जी मयूरा, बता रहा कि ये कानपुर के जो रनिया थाना क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें फैक्ट्री बनी थी, वैभव एडविल फैक्ट्री के नाम से बनी थी। इसमें मोबाइल काम होता था। इस पर देखा जो विस्फोट हुआ है, विस्फोट में लगभग 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें 2 से 3 मजदूर जो है जो उनकी चिंताजनक वाला आपत्तिजनक स्थितियां बनी हुई है। और जो फैक्ट्री पर जो मालिक थे उन पर लापरवाही के जो पीड़ित जो घायल हुए थे उनके जो परिजन थे, उनके तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जी, धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।